फ्रेंड्स, नाम शिवम है। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से कंप्लीट हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो बम पहला देख चुके हो आप, दूसरा आ चुका है और कई आने बाकी हैं। माय डियर फ्रेंड, आई वाज ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, टूल एंड डाई वर्क है उनका। और जब वो 16 साल की उम्र में अपने गांव से दिल्ली आए थे तो वो जॉब की तरफ ना जाके वो बिजनेस किया उन्होंने, और उन्होंने बिजनेस से इतना कर लिया कि एक इंसान जॉब से नहीं कर पाता। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज बोली, बेटा तू पढ़ फेल हो जा, तूने आगे जाके जॉब नहीं करनी। उन्होंने हमेशा मेरे माइंड में एक चीज डाला। और मैं आपको बता दूं, बचपन से जब एक चीज डाली जाती है ना, जॉब करनी नहीं थी, तो मुझे एक्सपीरियंस भी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी होती थी जॉब की, राइट। एक मैं आपको बात बता देता हूं, एक जॉब में इंसान सारी जिंदगी पैसा कमाता है, सेहत खो देता है, और बुढ़ापे में उसी पैसे से अपनी सेहत वापस लाता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया नहीं। तो पूरा क्लियर था कि जॉब नहीं करनी है। जॉब वाले की जिंदगी बस के कंडक्टर किसी हो जाती है, सफर भी रोज का और जाना भी कहीं नहीं। सुबह बीवी लात मार के जॉब पे भेजते थे, शाम को बहुत लात मार के घर भेजते, बेचारा फुटबॉल बन जाता है, और पोकेमोन डोरेमोन जैसे दो बच्चे होते हैं बस। और उन बच्चों से अगर पूछ लिया जाए, बेटा बनना किसकी तरह चाहते हो, वो कहता है विराट कोहली। बेटा बनना किसकी चाहते हो, वो कहते हैं सचिन, शाहरुख खान। बच्चा तुम्हारा है, बनना उनकी तरह क्यों चाहता है, कहां डिफेक्ट है। एक्चुअली उसे आप में आइडल एक मेंटर नजर नहीं आता, इसलिए वो अपना आइडल अपना मेंटर किसी और में चुनता है। ये सर नो, वो देखता है सुबह जाते हैं मायूस सा चेहरा लेके, शाम को आते हैं मनहूस सा चेहरा लेके, ऐसा लगता है कि किसी पुरानी कब्जे से पीड़ित हैं। ये सर नो, तो पूरा माइंड क्लियर था कि जॉब तो करनी नहीं है। मेरे पिताजी की जो दो खूबी है मैं हमेशा बताता हूं, पहली चीज पढ़ाई से बहुत ज्यादा नेगेटिव, और दूसरी चीज बहुत कंजूस आदमी है। उनकी जेब से रुपए निकलवाना, कोई निकलवा दे तो मैं उसे भारत रत्न दिलवा दूं सरकार से गुजारिश करके। उनकी जेब से रुपए निकलवाना, मगरमच्छ के जबड़े से शिकार निकालना है, आज तक उन्होंने एक रुपया नहीं दिया, राइट। और माय डियर फ्रेंड, मुझे याद है एक बार मेरे 100 में से 95 नंबर मैथ्स में आए, और मैंने पिताजी से बोला, पापा 100 में से 95 नंबर आए हैं, 5 नंबर कट गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के आते ही 5 थे, क्यों टेंशन ले रहा है। और उल्टा साइड मेरी मदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे पढ़ाई को लेके, वो हमेशा ये कहती थी, बेटा पढ़ो अच्छे मार्क्स लो, पढ़ो अच्छे मार्क्स लो। अब मैं सुनूं किसकी, मुझे ये समझ में नहीं आता था। मेरी मदर ने फिर मुझे एक चीज बताई, बेटा फ्यूचर में कुछ भी करना, चाहे जॉब करना चाहे बिजनेस करना, पर प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो हमेशा उसमें अपना बेस्ट दो, हमेशा उसमें अपना बेस्ट दो। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था, मैं अपने कॉलेज में अपने स्कूल में थ्रू आउट टॉपर्स में रहा हूं, राइट। 10th क्लास मेरी हुई, और 10th के बाद जैसी मेरी 10th हुई, मेरे पिताजी ने कहा तू अब मेरा बिजनेस करेगा। मैंने कहा 11th 12th नहीं, कह रहे नहीं। मैंने कहा अरे दुनिया के बालक पढ़ते नहीं है, आपका पढ़ रहा है, पढ़ने 11th 12th तो करने दो। कह रहे ठीक है, लास्ट तू 11th 12th कर ले, इसके बाद तू मेरा बिजनेस करेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस सीखने में तुझे 5 साल लगेंगे। मैंने कहा ठीक है डन। अब 11th में मैंने साइंस साइड ले ली। अभी किसी गली के डॉग को देख लो, साइंस वाले को देख लो, एक जैसा ही लगता है। मैंने साइंस साइड ले ली, 11th में मेरा एडमिशन हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 12th में मेरा फेयरवेल थी, फेयरवेल समझते हैं, सुन लो। मैं इस चीज में क्यों आया हूं मैं बता देता हूं, मैं बड़ा शर्मीला इंसान था। मेरे घर में कोई आगे से आता था, मैं पीछे से बाहर, किसी की आंखों से आंखें नहीं मिलती थी। मैंने अपनी जीवन में ना 12वीं क्लास तक किसी लड़की से तो बात करी ही नहीं है। हो क्या कर रहे हो, सच बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, इतना शर्मीला इंसान था मैं। तो 12th में, अब क्योंकि आप क्लास में अच्छे नंबर लाते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, ये बड़ा दुखदाई होता है आपके लिए, क्योंकि टीचर को हर एक काम में आप नजर आते हो। तो जैसे ही मैं फेयरवेल में गया, मैंने अपने टीचर के पांव छुए, उन्होंने मेरे यहां पे बैच बनाया जिसपे लिखा था 15। मैंने कहा मैम ये क्या है, कहती बेटा कुछ नहीं है, अभी आपको स्टेज पे जाना है, कुछ भी स्पीच देनी है, परफॉर्म करना है। और मैं डर गया, और मैं मैडम को ऐसे देख रहा था जैसे शक्ति कपूर हीरोइनों को देखता है, अभी खा जाऊंगा। मैंने कहा मैडम अगर आप मुझे पहले बताते मैं तैयारी करके आता, आप मुझे पहले क्लियर करते तो मैं आते ही नहीं आज। मैम ने कहा नहीं बेटा शिवम, आप तो आपको जाना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ऐसे मैं बैठ के आगे एक नंबर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मुझे सुनाई दिया। तीसरे चौथे के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पेट में तितलियां उड़ने लगी, डर के मारे भाई साहब बीपी हाई। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसे मेरी मैडम थोड़ी सी हटी वहां से, मैं वहां से कल्टी हो गया। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, जब तक मेरा नंबर स्टेज से नहीं निकला मैं बाथरूम से नहीं निकला, मैं चुप गया जाके। और जैसे ही 18 नंबर आया मैं बाहर आया, रजनीकांत की रवि
और मैं बाहर आया, सब बच्चे ढूंढ रहे थे, शिवम तू कहां है, कहां है? मैंने बताया दिखाऊं तुम्हें जन्नत, जिस जन्नत में मैं छुपा हुआ था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वॉशरूम में कितना सुकून मिलता है। आप भी थैंक यू किया करो, बहुत सुकून मिलता है, आपको एहसास नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, तो ट्वेल्थ भी बड़ी अच्छी रही, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए, और ट्वेल्थ के बाद अभी स्कूल कॉलेज में क्या होता है, भेड़ चाल बहुत होती है। सुनो yes. तू पिकनिक पे जा रहा है, हाँ मैं भी चल रहा हूं, चल। तू ये करेगा, हाँ नहीं मैं सब ऐसी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब स्कूल में हमारी क्लास में विधायक का औलाद था, वो भी बीटेक कर रहा था, नलायक का औलाद, वो भी बीटेक कर रहा है। मैंने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, सब बीटेक कर रहे, मैं भी बीटेक करूंगा। मैं घर आया, मैंने मम्मा से बोला मम्मा मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने कहा बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8-10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी चिता पे लेट जाएंगे खुद जाके। तो तुझे लगता है वो 8-10 लाख रुपए तुझे दे देंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहती तो क्यों करनी है बीटेक? एक काम कर, तू एक बाइक ले, डीयू में एडमिशन ले और लड़कियां घुमा। मैंने घुमाई नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। फर्स्ट ईयर मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, मार्क्स बहुत अच्छे रहे। सेकंड ईयर मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, मार्क्स बहुत अच्छे रहे। और जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होने वाला था, तभी एक दोस्त का फोन आया, शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था, मैंने भाई क्रिकेट खेलूंगा। कहता भाई तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे कल मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहां? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। दो चार बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी। मैं वहां गया एंड वहां पे चल रही थी एक बाइनरी कंपनी की मीटिंग। बाइनरी समझते हैं, लंगड़ा, इंसान भाग भाग के उसमें लंगड़ा ही हो जाता है। और बाइनरी कंपनी कैसी होती है मैं बता देता हूं। एक बचपन में आपने कहावत बहुत बार बोली होगी, दूर से देखा अंडे उबल रहे थे और पास जाके देखा गंजे उछल रहे थे। तो ऐसी वो बाइनरी में उड़ा देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, लपेट देंगे। मैंने कहा ये मेरी फाड़ेंगे भाई। मैंने कहा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, पर यहां तो सांड का दूध निकालना है, सांड दूध ही नहीं देता, अब इन्हें कौन समझाए। एंड माय डियर फ्रेंड, फिर मैंने कंपनी सर्च करी, फिर एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया और फिर मैं एक मीटिंग में गया और वो थी आईटीओ पे वेस्टीज की मीटिंग। वेस्टीज की मीटिंग चल रही थी। अब वहां पे कोई बच्चा नहीं था, मैंने कहा ये तो मैं ही दिख रहा हूं यार एकदम कीचड़ में कमल। कोई बच्चा नहीं था और सब प्रोडक्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं क्यों अच्छा लगा, मैं लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहा हूं, मैं बहुत लॉजिकल बंदा हूं। मुझे एक इंसान मोटिवेट कर सकता है और वो हूं मैं खुद, मुझे दूसरा इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। अभी आप देखिए ना टीवी पे जितना विज्ञापन आता है, आपको क्या लगता है इसका कोई सर पैर है, कोई लॉजिकल लगती है आपको चीज? ये सुनो, सोचो ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर तो चकर आज लक्स, आप नहाते हो कि भाभी नहाती है हम भी नहाएंगे? भाभी को देखा है कभी नहाते? सॉरी, सोचा है कभी? सोच भी लो, भाभी नहाती होगी 10 रुपए के साबुन से, नहाती होगी? तुमने बड़ा देखा है यार, भाभी का डॉगी भी नहाता होगा 10 रुपए के साबुन से। सोच के देखो, टीवी पे एक विज्ञापन आता है, एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ, पीछे से एक औरत आती है दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं, शायद शक्तिमान की घरवाली रही होगी, और तोड़ के आके क्या कहती है, क्या कहती है? आपके टूथपेस्ट में? भाई क्या है ये, मेरे घर में टाटा सॉल्ट की थाली आती है, ले जा तुझे कितना नमक चाहिए भाई। आप थोड़े दिन में आपसे कहेंगे आपके टूथपेस्ट पे हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट पे शाही पनीर भी नहीं है। ये बेवकूफ बनाएंगे और हम बनते रहेंगे। डीओ की एड आती है, एक आदमी डीओ लगाता है, 3-4 फ्रेंच लड़कियां उसके पास आती है, चिपक जाती है उसके पास। यहाँ पूछो खालसा कॉलेज रामजस, यहाँ पे आपके भी एमएनआईटी वगैरह में कितने बच्चे एक दिन में 2 बोतल डीओ की खत्म करते होंगे, कोई नहीं आती इनके पास। ये सुन लो माई डियर फ्रेंड, कोई लॉजिकल नहीं है, राइट? मैं बहुत प्रैक्टिकल रहा हूं और मैं स्कूल डेज से रहा हूं। स्कूल डेज में हमारे एक चैप्टर, और मैं आपको बता दूं मैंने वेस्टीज क्यों किया, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था जो मैं स्कूली किताबें पढ़ रहा हूं इन्हें मैं अप्लाई कहां करूंगा। हमारा एक चैप्टर हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति? बाकी तो बिस्तर पे पड़े होंगे मुझे लग रहा। माय डियर फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर था, 3-4 महीने वो चैप्टर चला, ये सुन लो। और 3-4 महीने हर बार टीचर में क्लास में आके क्या बोलता था, लेट एक्स इक्वल टू मान लो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा बाप के मानने रहे, तुम्हारी माने जा रहे, तुम्हारे तो मान लो ही खत्म नहीं हो रही।